तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो गाइस मैं सबसे पहले तो बता दूं कि व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज अ स्क्वायर। तो व्हाट इज अ स्क्वायर मतलब स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर ये होता है कि जैसे आप कोई भी रैंडम नंबर लीजिए, मान लीजिए मैं लेता हूँ 5, तो इसका स्क्वायर कितना होगा। मतलब ये चैप्टर है जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब ये आपको बहुत जगहों पे काम देगा, चाहे आप वो बहुत बड़े हो जैसे कि 10th 12th में भी हो, चाहे आप 6th 7th में भी हो। तो इसमें मैं बता रहा था कि व्हाट इज अ स्क्वायर। तो रैंडम कोई भी मैंने नंबर लिया, मान लीजिए मैंने लिया है 5, तो इसका स्क्वायर क्या होगा। मतलब कि स्क्वायर वो होता है कि जब किसी एक नंबर को उसी के, मतलब एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मतलब जैसे आपने 5 लिया तो 5 × 5, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 25। तो स्क्वायर क्या होता है, जब आप किसी भी नंबर को उसी से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जैसे 2 लिया मैंने तो उसी को दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 × 2 = 4। तो क्या कहेंगे इसको कि 5 का स्क्वायर क्या है, 25, 2 का स्क्वायर क्या है, 4। तो ऐसे ही बहुत सारे, मतलब पूरे ही नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर है सबके स्क्वायर होते हैं। चाहे आप वो बड़ा नंबर लीजिए, मान लीजिए मैं 25 का स्क्वायर पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25, तो आप क्या करेंगे, मतलब आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा 1 to 30 तक लर्न होना चाहिए। मतलब ये बहुत जरूरी होता है, 25 × 25 का स्क्वायर, मतलब जब 25 को हम उसी से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 25, तो इसका स्क्वायर होगा आपका 625, यानी कि 625। तो क्या हो गया, 25 का स्क्वायर क्या हो गया, 625। तो मैंने आपको स्क्वायर बता दिया है, कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि 25 × 25 = 625। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम लोग ऐसा करें कि 2.5 × 2.5 का स्क्वायर रखाओ, मतलब 2.5 का स्क्वायर रखाओ, तो स्क्वायर क्या होता है कि जो भी नंबर लीजिए, चाहे वो 0.25 हो या फिर 2.5 हो, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो आपको कोई भी जो भी नंबर दे, यानी कि मैंने जो लिया है 2.5, तो उसी को उसी नंबर से आप दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 × 2.5, तो इसका आंसर क्या होगा, 6.25। तो 2.5 × 2.5 = 6.25, यानी कि 2.5 का स्क्वायर है 6.25। तो मैंने आपको बता दिया कि डेसिमल के भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं और सिंपल नंबर के भी निकाल सकते हैं, चाहे वो डेसिमल हो चाहे वो सिंपल नंबर हो, उसके स्क्वायर, उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625 और 2.5 का स्क्वायर 6.25। तो अब हम लोग आते हैं कि हम लोग फ्रैक्शंस के स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं बताता हूँ। तो ये हो गई हमारी पहली चीज, ये हो गई हमारी दूसरी चीज। अब हमारा तीसरा क्या आता है कि हम लोग फ्रैक्शंस के स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी कि 2/3 मैंने फ्रैक्शन लिया है। अगर मैं बड़ा नंबर लू, बड़े नंबर से भी बताऊंगा, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया था स्क्वायर का, कि जो नंबर भी आप लीजिए उसी को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि 2 × 2/3 × 2/3, ठीक है। तो ये 2/3 × 2/3, तो इसका क्या आंसर आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 9। तो इसका आंसर आएगा 2/3 का स्क्वायर क्या होगा, 4/9। तो ये हो गया आपका। अब मैं बड़े नंबर से लेता हूं कुछ, इन तीनों को मैं कुछ बड़े नंबर लूंगा इन तीनों के, ठीक है। तो अब हम लोग मानते हैं कि 4 हमारा है, तो 25 × 25 लिया था हमने, अब हम क्या लेंगे, 250 × 250, मतलब 250 × 250, तो इसका स्क्वायर आएगा 625।
डबल जीरो 62,500। तो ये हो गया आपका 250 का स्क्वायर 62,500। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं डेसिमल का, डेसिमल का भी कुछ लेते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, डेसिमल नंबर का कोई बड़ा नंबर लेते हैं, इसी को हम लोग लेते हैं 250.0 इंटू 250.0। तो इसका क्या आएगा, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो क्या करेंगे 250 इंटू 250 इक्वल 62,500 इसका आंसर भी आ चुका है। अब हम लोग फ्रैक्शंस में भी कुछ बड़े नंबर्स लेते हैं, तो फ्रैक्शन के बड़े नंबर लेने के लिए मान लेते हम लोग 200 इंटू 200 बाई 300 इंटू 300। तो इसका स्क्वायर क्या है, मतलब कि 200 बाई 300 का स्क्वायर क्या है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा आपका 40,000। 200 इंटू 200 40,000, 300 इंटू 300 90,000। तो 200 बाई 300 का स्क्वायर क्या होगा 40,000 बाई 90,000। तो मतलब मैंने आपको अभी तक तीन तरह के स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये बता दिया है, सिंपल नंबर्स यानी कि इंटीजर्स या फिर कोई भी रैंडम नंबर, डेसिमल्स यानी कि 0.25, 2.5, 2.50, 250.0, तो ये सब मैंने बता दिया, डेसिमल हो गया। फ्रैक्शन के भी मैंने बता दिए 2/3 इंटू 2/3, 2×4, 3×3×9। तो ये हो गया आपको, मैंने तीनों तरह का बता दिया। तो यहाँ पे इनको लिखने का भी कोई तरीका होता है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, कि आपको मान लीजिए कहीं पे लिखा आ गया 25 to the power 2, तो इसका क्या मतलब है, मतलब 25 into 25 यानी कि 25 का स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 625। अगर आपसे पूछा है 2 to the power 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो ये सारे स्क्वायर्स में मतलब आपके सिंबल्स, एक तरह से आप कह सकते हैं साइन है कि 25 to the power 2, तो मतलब 25 into 25, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, 6 into 6। तो ये हो गया आपका लिखने का तरीका। अब आती है बात आपकी स्क्वायर रूट की, तो पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। मैं अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दूंगा स्क्वायर रूट के बारे में, फुल आपको कैसे निकालते हैं, उसको कैसे शो करते हैं, उसका क्या सिंबल होता है, इस बार मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो स्क्वायर रूट क्या होता है कि जो भी नंबर है जो उसका स्क्वायर है, मतलब कि दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि 5 का स्क्वायर है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, मतलब कि जो भी वो नंबर है पर्टिकुलर, जैसे कि हम लोग लेते हैं 625, तो 625 किन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई होके बना है वो, यानी कि 25 into 25 को मिलाकर ये बना है। तो इसमें कई लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपसे मान लीजिए पूछा है कि आप बताइए 100 का स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप ये मत कर दीजिएगा कि 50 into 2 equals 100 का स्क्वायर रूट है 50 into 2, ये मत करेगा। ये करेगा कि जैसे ये जो चीज है ना, इसकी स्क्वायर रूट निकालनी है, तो इसका स्क्वायर क्या है 10, यानी कि 10 into 10 equals 100, तो आपका जो स्क्वायर रूट आना चाहिए, मतलब वो जो स्क्वायर है जिन दो नंबर से वो मल्टीप्लाई होके बना है, वो दोनों सेम होने चाहिए, ना कि 50 into 2 करना है आपको, 10 into 10 करना है, ताकि वो प्रॉपर आएगा। यही आपका मेथड सही है, मतलब मेथड क्या, यही चीज सही है, ये बिल्कुल गलत है। तो 10 into 10 equals 100, तो ये हो गया हमारे थोड़ी सी बेसिक चीज अबाउट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपको ये डिवीजन का साइन लग रहा होगा, लेकिन ये है स्क्वायर रूट का साइन, तो इसके अंदर जैसे 25 नंबर लिया जाता है इसके अंदर कि 25 का स्क्वायर रूट निकालिए, यहाँ पे ये इस सिंबल को कहते हैं स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा इसका आंसर, अगर आपको ऐसे आया है कि सिंबल बना के अंदर 25 लिखा है, इक्वल्स बताओ क्या,
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर. तो आप क्या लिखेंगे? 5, क्योंकि 5 × 5 = 25. तो मैंने बताया जैसा कि स्क्वायर रूट क्या होता है कि जो वो नंबर जिन दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होके बना है, यानी कि 5 × 5 से ये बना है, यानी कि 5. तो 5 = 25 का स्क्वायर रूट है 5. तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक सी बातें अबाउट स्क्वायर रूट. जैसे कि 6 × 5 = 0, 250 है उसका स्क्वायर रूट. तो यही सब चीजें कि कैसे आप लोग किस मेथड से निकाल सकते हैं इसको, किस मेथड से इजीली निकाल सकते हैं, तो यही सब मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा, यानी कि पार्ट 2. पार्ट 2 इस वीडियो का कल आने वाला है, मतलब इस चैप्टर का पार्ट 2 कल आने वाला है. तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.